नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एसएसआर वॉरियर की तरफ से तो संदेश आ ही रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं सुशांत और दिशा सालियान की मौत को लेकर के। कुछ सूत्र जो बड़े खुलासे कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर सुशांत और दिशा की जो मौत है, जो हत्या है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। देश का बच्चा बच्चा ये बात कह रहा है, ये सवाल उठा रहा है। तो सवाल है कि हत्या में जो लोग शामिल हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, अगर उनकी कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू होगी तो उन्हें कहां रखा जाएगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसे तथ्य का खुलासा करने वाला हूं जो आपको वो जेल का रास्ता बताएगा। किस जेल में ये लोग जाने वाले हैं, किस जेल में इन लोगों को रखने वाले हैं, किन किन के ऊपर गाज गिरने वाली है। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बता रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील जो कल हमारे साथ शो में मौजूद थे, आज वो दोबारा शामिल हो रहे हैं और उस जगह से शामिल हो रहे हैं जहां के जेल में जाने की पूरी कवायद हो रही है। आपको हैरानी होगी कि दिसंबर में 2023 में जब रिया चक्रवर्ती का लुकआउट नोटिस क्वेश किया गया और उन्हें दुबई जाने की इजाजत हुई, उस वक्त अदालत ने सीबीआई से पूछा था कि पिछले 3.5 वर्षों में आपने कब ऑनरेबल रिया चक्रवर्ती को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। तो सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि सीबीआई ने उन्हें बुलाया नहीं था। लेकिन अब सीबीआई को अदालत के उसी सवाल का जवाब खुद के अंदर भी देना है, इसीलिए सीबीआई अब तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुंबई में एसआईटी एक्टिव होने वाली है और सीबीआई एक्टिव होने वाली है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी अब अवश्यंभावी हो गई है। इनएविटेबल उसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसको अनअवॉइडेबल भी कहते हैं। यू कैनॉट अवॉइड द अरेस्ट ऑफ दोज हु आर हैविंग एलिगेशंस दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालियान। अब सारे पोथी खुल रहे हैं एक एक करके और पुलिस की टीम, सीबीआई की टीम इन लोगों के ठिकाने पर बहुत जल्द दबिश देने वाली है। और जब दबिश दिया जाएगा तो उन्हें दबोचा जाएगा, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और अरेस्ट करने के बाद उनकी खातिरदारी किसी 5-स्टार होटल में नहीं होने वाली है, उनकी खातिरदारी जेल के सलाखों के पीछे होने वाली है। सीबीआई की कस्टडी में इंटरोगेशन होने वाला है, एसआईटी की कस्टडी में इंटरोगेशन होने वाला है। और हैरानी की बात यह है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे पात्र हैं इस जो थ्रिलर है मुंबई का, ये जो थ्रिलर है, एक्शन है इस मूवी में, इसमें ऐसे ऐसे पात्र हैं जो साथ में थे, मौत हुई, गायब हो गए, 3 महीने तक गायब हो गए, पुलिस उनको ढूंढ नहीं सकी। अद्भुत है, ये अय्यारी चल रही है इसमें और इसमें करिश्मा भी चल रहा है, तंत्र मंत्र चल रहा है, जादू टोना चल रहा है। यकायक एक बहुत ही खूबसूरत सा लड़का जो फियांसी होने का दावा करता था गायब हो गया और पुलिस ने कह दिया कि साहब वो तो बहुत ड्रंक था। और उसमें ये जो दृष्ट बेईमान भ्रष्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी
एक तरफ से बहुत बड़ी भूमिका अदा की उन लोगों के बारे में प्रोटेक्ट करने की, कि सीबीआई की एक टीम जांच कर रही थी दिशा सालियान के मामले में, और उन्होंने कहा कि वो तो बहुत ज्यादा ड्रंक थी, पार्टी मना रही थी और अपने दोस्तों के साथ, उनके पांव फिसल गए, फिर उनकी मौत हो गई। ये सब कहा गया, ये सब नाटक रचा गया, ये सब स्क्रिप्ट बनाया गया और मीडिया में प्लांट किया गया, और ये भ्रष्ट मेनस्ट्रीम मीडिया, कुछ दलाल मीडिया, कुछ भ्रष्टाचारी मीडिया, सब नहीं, बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तो इसको एक्सपोज कर रहे थे, लेकिन कुछ जो भ्रष्टाचारी मीडिया है उन्होंने उस दलील को जो उनके आका उनको स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट दे रहे थे उसको हूबहू प्रिंट कर रहे थे। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।